Hello friends, this is Vishali Nahar. Welcome back to my channel, School at Home. Today I am going to teach you class 11th NCERT Maths chapter number 1 sets. Okay, so today guys we are going to discuss about different types of sets. Okay, iska pehle wala introduction wala video main apne YouTube channel pe already upload kar chuki hu. Agar guys aapne mera wo video nahi dekha hai, so please subscribe my channel School at Home to see that videos. तो चलिए देखते हैं आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारा पहला सेट. सो गाइस दिस इज योर फर्स्ट सेट दैट इज एम्प्टी सेट और नल सेट. ओके एम्प्टी सेट और नल सेट. सो गाइस आपको नाम से ही क्लेरिफाई हो रहा होगा कि एम्प्टी सेट और नल सेट मींस ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो. ओके सो हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट और द वॉइड सेट. ओके ऐसा सेट जिसमें क्या होता है एक भी एलिमेंट नहीं होता है उस सेट को हम क्या कहते हैं एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कह सकते हैं या फिर वॉइड सेट कहते हैं. ओके उसको डिनोट किया जाता है फाई से एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई. ओके इट इज डिनोटेड बाय फाई एंड इट इज रीड एज फाई. ये सिंबल है उसको और हम सिंबल को पढ़ते हैं फाई. इन रोस्टर फॉर्म फाई इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स. ओके सो अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करें तो यहाँ फाई जो है उसको डिनोट करेंगे हम कैसे कर्ली ब्रैकेट्स होंगे बट उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे. ओके एन एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in an empty set is finite that is zero. okay अगर हम बात करें यहाँ पे empty set तो empty set कैसा set होगा finite set. finite means कि आपको पता है कि उसके अंदर कितने number of elements होंगे. हमें पता है कि empty set के अंदर क्या कितने number of elements होते हैं zero मतलब उसमें एक भी element नहीं होता है तो वो हमेशा उतना ही रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि empty set में कभी one होगा कभी two elements ऐसा नहीं होता है. empty set हमेशा empty set में क्या होते हैं कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है और एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं. चलिए तो इसको एक बार एग्जांपल से हम क्लेरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ होल नंबर लेस देन जीरो. क्या लिखा है यहाँ पे एग्जांपल में कि सेट ऑफ होल नंबर लेस देन जीरो. आपको बताया सेट बनाना है होल नंबर्स का जो क्या हो लेस देन जीरो हो. जैसे कि आप सभी को पता है कि होल नंबर क्या जीरो से लेस कोई नंबर होता है क्या. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं मींस उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो ये कैसा सेट बनेगा यहाँ पे एम्प्टी सेट बनेगा. ओके चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि उसका एक्सप्लेनेशन गिवन है क्लियरली देयर इज नो होल नंबर लेस देन जीरो. मैंने बताया था कि जीरो से ही होल नंबर की स्टार्टिंग जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो जीरो होता है जीरो से कोई स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं होता है. देयर फोर ये जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा इट इज एन एम्प्टी सेट. ओके गाइज तो क्लियर हो गया है यहाँ पे एम्प्टी सेट को आप क्या बोल सकते हैं नल सेट बोल सकते हैं वॉइड सेट बोल सकते हैं. एम्प्टी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है. एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं फाई से डिनोट करते हैं. ओके गाइस तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेट की तरफ दैट इज सिंगलटन सेट. ओके अब यहाँ पे अगर आप देखें समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप नाम को ध्यान से देखें सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ क्या होगा ओनली वन एलिमेंट. एम्प्टी सेट खाली मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं था एक भी एलिमेंट नहीं. सिंगल टेन मीन्स का यहाँ पे क्या हो रहा है उसमें क्या होगा एक एलिमेंट होगा. सो सिंगल सेट सिंगलटन सेट क्या होता है अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. ओके सो क्लियर है यहाँ पे जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा. चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल ये आपका किस फॉर्म में गिवन है आपका यहाँ पे देखिए एक्स कॉलन इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट. ओके आपको एक ऐसा सेट है यहाँ पे ये जिसमें क्या हो एक एक्स ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा ना तो प्राइम नंबर होगा और ना ही कंपोजिट नंबर होगा. तो आप सबको पता है कि ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है दैट इज वन. सो इट इज अ सिंगलटन सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट दैट इज वन. ओके तो क्लियर हो गया क्यों है ये ऐसा सिंगलटन सेट क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर इसके अंदर आ रहा है वो भी कौन सा नंबर आ रहा है वन क्योंकि सिर्फ वन ही एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है. ओके अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ये सेट भी है. ओके कर्ली ब्रैकेट एक्स कॉलन एक्स इज अ होल नंबर एक्स इज लेस देन
वन. ओके तो यहाँ पे एक्स जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बी सेट के अंदर एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक वेरिएबल है, तो वो इस बी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो क्या होंगे, होल नंबर होंगे. लेकिन कैसे होंगे, होल नंबर लेस देन वन. तो आप सभी को पता है कि होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो से होती है. ओके तो वन के जीरो वन टू थ्री, और वन से छोटा क्या है, सिर्फ एक ही नंबर है, वो भी क्या आ रहा है होल नंबर में, जीरो. तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सिंगलटन सेट में, इसमें एक ही नंबर आ रहा है, वो भी जीरो आ रहा है. इट मींस ये जो सेट बनेगा यहाँ पे वो कैसा बनेगा, सिंगलटन सेट. ओके सो दिस सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट जीरो एंड इट इज अ सिंगलटन सेट. ओके तो यहाँ पे आपको सबको क्लियर है, नल सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा, सिंगलटन सेट मतलब एक एलिमेंट होगा. यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर रही हूँ. सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो. ओके बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेट, दैट इज फाइनाइट सेट. ओके फाइनाइट सेट मींस जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे. मतलब हमें पता होगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं. अ सेट व्हिच कंटेन्स अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. एम्प्टी सेट इज आल्सो कॉल्ड अ फाइनाइट सेट. ओके तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि एम्प्टी सेट को भी क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, क्योंकि हमें उसमें पता है कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है. तो जहाँ जिस भी सेट में आपको क्लियर हो कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो उस सेट को गाइस क्या कहते हैं, हम फाइनाइट सेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आपको एक एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, अ सेट ऑफ ऑल कलर्स इन द रेनबो. ओके सबको पता है कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, सेवन कलर्स होते हैं, तो ये हमें पता है ऑलरेडी. ओके तो ये कैसा सेट बन जाएगा, आपका फाइनाइट सेट बन जाएगा. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेट, दैट इज इनफाइनाइट सेट. ओके तो अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप नाम पे ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट मीन्स ऐसा सेट जिसमें आपको नहीं पता हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मींस नेवर एंडिंग एलिमेंट्स वाला जो भी सेट होगा वो कैसा सेट होगा, आपका इनफाइनाइट सेट. अगेन फाइनाइट जिसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो पता हो, आप काउंट कर सकते हैं, बट इनफाइनाइट नेवर एंडिंग एलिमेंट जिसमें आपको पता नहीं होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं. चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड, दैट इज सेट कंटेनिंग नेवर एंडिंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट. मतलब ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट सेट. एक एग्जांपल है यहाँ पे, आप देख लीजिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. ओके हमें सबको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक. ओके तो ये कैसा सेट बन गया, आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं होगा, चलता ही जाएगा प्रोसीजर आपका. ओके गाइस तो देख लीजिए, हमने फर्स्ट कवर करा है आपका एम्प्टी सेट, देन सिंगलटन सेट, देन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेट, दैट इज इक्विवेलेंट सेट. चलिए तो अब देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है आपका. ओके अब इसमें दो सेट्स की बात करेंगे हम. देखिए टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. द सिंबल फॉर डिनोटिंग एन इक्विवेलेंट सेट इज, देखिए ये आपका सिंबल है जो डिनोट करेगा किसको, इक्विवेलेंट सेट्स को. तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट मतलब दो सेट्स को हम कब इक्विवेलेंट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट ए है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये सेट ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, वन टू थ्री, कितने एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई यहाँ पे, थ्री हो गई. अब सेट बी देखिए, इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, पी क्यू आर, मतलब कितने हैं, वन टू और थ्री, कितने एलिमेंट्स हैं, थ्री एलिमेंट्स हैं. तो दोनों में जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे चार एलिमेंट्स होते हैं ए में और बी में भी चार एलिमेंट्स होते हैं, तो इन दोनों सेट्स को कहा क्या कहते हैं, हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं. और इनको डिनोट किससे करते हैं, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है इनको. सो स्टूडेंट्स क्लियर है कि दो सेट्स इक्विवेलेंट कब होंगे, जब उनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी, कार्डिनल नंबर सेम होगा, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे. ओके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, ऐसा नहीं कि दोनों में एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे. क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे कि हम यहाँ काउंट कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे वन टू थ्री फोर, थ्री के भी आगे कुछ होता, फोर फाइव, तो अगर इसमें फाइव एलिमेंट्स है तो इसमें भी फाइव एलिमेंट्स अगर होते हैं, पी क्यू आर एस टी आर एस टी, तो ये दोनों में फाइव फाइव है, मीन्स ये कैसा सेट से, इक्विवेलेंट सेट से. तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा इक्वल सेट.
अब जैसे कि मैंने बात करी थी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने की, ओके इक्विवेलेंट, बट अब बात आ रही इक्वल सेट। आप दोनों को बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इक्विवेलेंट सेट क्या है जिसमें कार्डिनल नंबर सेम होता है, ठीक है। बट इक्वल सेट ऐसा सेट होगा, इसमें भी हम दो सेट की बात बात करेंगे, ए और बी हमने फॉर एग्जांपल दो सेट ले लिए हैं, बट उनके अंदर सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं, सेम एलिमेंट्स। ओके देखिए आप यहाँ पे एक बार मैं डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब जो भी एलिमेंट जो ए के जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, सेट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब दोनों में एक जैसे ही एलिमेंट होने चाहिए, अगर ऐसा है तो ये इक्वल सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? वहां पे इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होते थे, ओके यहाँ पे सारे एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, जो ए में है वो बी में भी होना चाहिए और जो बी में है वो ए में भी होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए सेट ए है आपका, इसमें एलिमेंट्स क्या है, पी, तो देखिए यहाँ भी पी है, यहाँ क्यू है तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ आर है तो यहाँ भी आर है, यहाँ ऐसे है यहाँ भी ऐसे, आगे पीछे हो सकते हैं बट होना जरूरी है कि सेट में होना चाहिए, तो इस तब हम कहेंगे कि ए और बी क्या है, दो इक्वल सेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ आपको। आपका नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है केवल, फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे आपका फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता हो कितने आएंगे, तो दैट इज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटलेस हो, हम तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इक्विवेलेंट सेट की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट सेट ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर जो होता है, मतलब अगर एक में पांच एलिमेंट है तो दूसरे सेट में भी फाइव एलिमेंट्स होने चाहिए, अगर एक में टू एलिमेंट्स है तो दूसरे में भी टू, तो दैट इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंट सेट। अगर बात करें हम इक्वल सेट की, तो इक्वल सेट में आपके जो है जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में भी होना चाहिए और जो एलिमेंट्स बी में है वो ए में भी होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो सॉरी हर एलिमेंट्स जो है वो दोनों में सेम होना चाहिए, तभी हम उस सेट को क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। ओके गाइस, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल एट होम के साथ और भी कई नए इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। ओके सो गुड बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।